नमस्कार दोस्तों, दिस इज डॉक्टर अनुराग एंड आई वेलकम यू टू द न्यू इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय आईएएस नॉलेज मंत्रा एंड द इनिशिएटिव इज करंट अफेयर्स एक्सप्रेस फोकस्ड ओवर कवरिंग ऑल द करंट अफेयर्स न्यूज ऑन अ डेली बेसिस इन वेरियस फील्ड्स। एंड ये करंट अफेयर्स न्यूज जो डिस्कस किए जाएंगे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर टैकलिंग द करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ ऑल द एग्जामिनेशंस। लेकिन प्राइमरली हमारा फोकस रहेगा यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन। और इसमें जो करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाएंगे, इट विल बी फ्रॉम वेरियस एंड वैरिड न्यूज़पेपर्स लाइक इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, लाइव मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिसाइड्स कवरिंग इंपॉर्टेंट मैगजीन्स लाइक योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ एंड नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन। तो ये इनिशिएटिव वन एंड द ओनली वन है पूरे इंडिया में, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेगा करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे। एंड ऑन अ डेली बेसिस 3 to 4 करंट अफेयर्स वीडियोज विल बी अपलोडेड डिपेंडिंग अपॉन द न्यूज विच आर कमिंग फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो फोकस कर रहा है 10 मई 2020 के करंट अफेयर्स न्यूज के ऊपर जो साइंस एंड टेक फील्ड से रिलेटेड है। तो ये साइंस एंड टेक फील्ड का रिलेटेड वीडियो है 10 मई 2020 के करंट अफेयर्स कवर करने के लिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए आईएएस नॉलेज मंत्रा चैनल को। आपको सबसे बेस्ट वीडियोस मिलने वाले हैं यूपीएससी सिलेबस के ऊपर, स्पेशली करंट अफेयर्स के ऊपर। एंड इस वीडियो के फ्री पीडीएफ के लिए लिंक फॉलो कीजिए टेलीग्राम पे आईएएस टॉपर्स मंत्रा। सो आईएएस टॉपर्स मंत्रा पे आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और करंट अफेयर्स कवर करने का हमारा मेजर एम क्या है यहाँ पे, करंट अफेयर्स केवल न्यूज डिस्कशन से काम नहीं बनता है जैसा कि बाकी वीडियोस में किया जाता है। हम यहां देखेंगे हर न्यूज प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और साथ में हम देखेंगे दैट मेंस में कहां आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं उस न्यूज से। और मेंस में लेट मी टेल यू, बिना वैल्यू एडिशन के आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर में। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स का। तो 10 मई 2020 को ये लगभग 8 न्यूज इंपॉर्टेंट फील्ड में आए हुए हैं। इसमें 3 न्यूज करंट अफेयर्स के हैं साइंस एंड टेक फील्ड से। आप देख सकते हैं सबसे पहला न्यूज, कैन अल्ट्रावायलेट रेज और लाइट हेल्प डिटेक्ट एंड किल कोरोना वायरस। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज में आया है आज। सेकेंड पॉइंट, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB फंड्स फॉर इंडिया COVID-19 रिस्पॉन्स। ये भी सेकेंड न्यूज COVID-19 के ऊपर ही। एंड थर्ड, ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोजेक्ट बाई भारत बायोटेक टू काउंटर COVID-19। इन शॉर्ट COVID-19 के ऊपर 3 के 3 न्यूज आज साइंस एंड टेक फील्ड से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला न्यूज, अल्ट्रावायलेट जर्मीसाइडल रेडिएशन थेरेपी फॉर COVID-19। आप देख सकते हैं UVGI का फुल फॉर्म, अल्ट्रावायलेट जर्मीसाइडल रेडिएशन। इस थेरेपी का एम क्या है, डिटेक्टिंग द वायरस इन द स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स एंड पब्लिक प्लेसेस एंड हेल्पिंग इन डिसइंफेक्टिंग द प्लेसेस कंटेमिनेटेड बाय द वायरस। तो जो पब्लिक प्लेसेस है वहां अगर वायरस का प्रेजेंस है तो उसको डिटेक्ट करके किल करना वायरस को थ्रू अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम द सन वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट वेवलेंथ का होता है देन विजिबल लाइट एंड देयरफॉर इज नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। और यही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस 3 प्रकार के होते हैं, अल्ट्रावायलेट A, B and C। अल्ट्रावायलेट सी रेज सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है एंड ये कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड हो जाता है बाय ओजोन लेयर। तो यहां पे बहुत बड़ा पॉइंट, प्लीज यहां बहुत बड़ा पॉइंट, ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में कहां प्रेजेंट होता है, कौन से लेयर में, आपका ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो यूवीसी रेडिएशंस कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाता है, UVA and UVB दे आर हार्मफुल एंड दे कैन कॉज सेल्यूलर डैमेज एंड DNA डैमेज इन द ऑर्गेनिजम्स leading to genetic diseases, also they are carcinogenic, that means skin cancer के लिए ये responsible होते हैं। तो ultraviolet radiations इतने ज़्यादा harmful है हमारे लिए, यही तो वजह है that ozone layer, और इसमें भी ultraviolet C सबसे ज़्यादा harmful है, यही वजह है ozone layer को वापस heal कराने के लिए हमारा पूरा focus था under the Montreal protocol। तो आपका homework है ozone layer एटमॉस्फेयर में किस रेंज में पाया जाता है, मींस कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर में, एंड सेकंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेजर एम क्या था। तो यूवीजीआई थेरेपी फॉर COVID-19, तो
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हार्मफुल तो है ही, लेकिन यही डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज के कारण इसका इस्तेमाल हो सकता है पैथोजेंस टारगेट करने के लिए, यानी बैक्टीरियाज एंड वायरसेस टारगेट करने के लिए। इट इज इफेक्टिव इन डिसइंफेक्टिंग द एयर, हेल्पिंग इन प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस इन द एयर अमंग्स द ह्यूमन बींग्स। और इसका इस्तेमाल ऑलरेडी किया जा चुका है ट्यूबरक्लोसिस में। ट्यूबरक्लोसिस के स्प्रेड को रोकने के लिए UVGI थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे एक बैकग्राउंड टॉपिक भी है यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ वाइज एंड फ्रीक्वेंसी वाइज आपको देखना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन हैज कम इन द पास्ट इन UPSC, इट कैन अगेन कम। अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड एंड दिस इज द विजिबल लाइट, विबगियोर आप देख सकते हैं, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, आपको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो ये टास्क जरूर कर लीजिएगा, यहां से सवाल निकल सकते हैं UPSC के प्रीलिम्स में बैकग्राउंड से UVGI थेरेपी के। तो UVGI थेरेपी कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज आउट हेयर इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ COVID-19 इन पब्लिक प्लेसेस। और ये पाया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस चीफली स्प्रेड थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में स्पेशली बहुत कारगर है UVGI थेरेपी। तो स्कूल्स में, बस स्टैंड्स में, सिनेमा घरों में, ये हर जगह पे UVGI थेरेपी का इस्तेमाल हो सकता है, बट इट रिलाइज ऑन एयर सर्कुलेशन इन द रूम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन, विच मीन्स द सर्कुलेशन ऑफ द एयर नीड्स टू बी सच दैट द एयर फ्रॉम बिलो द रूम वेयर द पैथोजन इज जनरेटेड रीचेज द अपर पोर्शन ऑफ द रूम वेयर द अल्ट्रावायलेट कैन ट्रैप द पैथोजन। तो जहां पैथोजन जनरेट हो रहा है लोअर पार्ट ऑफ द रूम में, वहां से एयर सर्कुलेशन टूवर्ड्स अप होना चाहिए, तभी जाके ट्रैप हो पाएंगे पैथोजन्स बाय द अल्ट्रावायलेट रेज। सो ऑन द मास स्केल इट इज नॉट मच कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज इसमें ह्यूज पैसा लगेगा, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम्स हैं। बट छोटे स्तर पे, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल रूम्स, इट कैन बी इफेक्टिव। और यहाँ से दो चीज़ें ज़रूर से पढ़ लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए। पहला पॉइंट, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर UVGI थेरेपी टू ऑपरेट इन अ प्रॉपर वे, ये कंडीशन एयर सर्कुलेशन है। एंड सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे रेज का ऑर्डर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी वाइज। और प्रीलिम्स के अलावा मेंस में अगर कोई, अगर आप पूछेगा हमसे ये कहाँ लिंक हो सकता है, इन द मेंस वी कैन लिंक दिस टॉपिक एज अ प्रोपोज्ड और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टॉपिक और एक्सपेरिमेंटल R&D टू टैकल इन्फेक्शन इन पब्लिक प्लेसेस। और जहां कहीं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या ओजोन डिप्लीशन पे कोई भी सवाल आया, मैं वहां भी इसको वैल्यू एडिशन के रूप में एडअप कर सकता हूं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द UVGI थेरेपी फॉर COVID-19। सेकेंड न्यूज भी COVID-19 के ऊपर है और ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, जो बेजिंग में हेडक्वार्टर्ड है, उसने इंडिया के प्रोजेक्ट को, नाम है इंडिया का, नाम है इस प्रोजेक्ट का इंडिया COVID-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट। इसको $500 मिलियन का लोन सपोर्ट दिया है। ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी को फाइनेंस्ड है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दोनों इंडिया के COVID-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट, इंडिया के COVID-19 के फाइट को और भी पैसे से सपोर्ट, फंडिंग दे रहे हैं ताकि कहीं भी कमी ना आए। सो दिस सपोर्ट विल हेल्प इंडिया इन एड्रेसिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पोस्ट टू द पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स। एंड $500 मिलियन लोन इज अ ह्यूज लोन फॉर इंडिया इन सच कंडीशंस। एंड इट द फाइनेंसिंग विल हेल्प विल इनेबल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लिमिट द ट्रांसमिशन ऑफ केसेस, टू स्ट्रेंथन द हेल्थ सिस्टम, टू एक्सपैंड द रिस्पॉन्स कैपेसिटी एंड टू एनहेंस द प्रिपेयरनेस। तो फ्यूचर आउटब्रेक रोकने के लिए, केसेस का ट्रांसमिशन रोकने के लिए, हेल्थ सिस्टम को रोबस्ट करने के लिए एंड टेस्टिंग रोबस्ट करने के लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा इंडिया के लिए। लेकिन लेट मी टेल यू, लेकिन AIIB कॉन्ट्रोवर्सी में भी था, ऑल बिकॉज ये वही बैंक है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट दे रहा है। ये चाइना का एक बड़ा प्रोजेक्ट है ग्लोबल लेवल पर अपना प्रेजेंस एनहांस करने के लिए, लेकिन इंडिया इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है, ऑल बिकॉज वन ऑफ द सब पार्ट्स, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गोज थ्रू
the part of Jammu and Kashmir which is illegally occupied by Pakistan. तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता हुआ सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही पार्ट है. लेकिन यहां पे एक बड़ा सपोर्ट एआईआईबी की तरफ से इंडिया के लिए, क्योंकि अभी इंडिया को जरूरत है इस पैसे की. एंड वन कैन सी सिक्स कंपोनेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट के. पहला इमरजेंसी रिस्पॉन्स कॉम्पोनेंट, सेकेंड स्ट्रेंथनिंग द नेशनल एंड स्टेट हेल्थ सिस्टम कॉम्पोनेंट, थर्ड स्ट्रेंथनिंग पैंडेमिक रिसर्च एंड मल्टी सेक्टोरल इंस्टीट्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म्स फॉर वन हेल्थ कंपोनेंट, तो R&D कंपोनेंट. कंपोनेंट फोर कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड रिस्क कम्युनिकेशन कंपोनेंट, तो लोगों को पीपल पार्टिसिपेशन एक कंपोनेंट, तो पीपल पार्टिसिपेशन प्रमोट करने का कंपोनेंट. एंड कंपोनेंट फाइव इंप्लीमेंटेशन मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इवेल्युएशन कंपोनेंट, तो मॉनिटर करना है इवेल्युएट करना है प्रोजेक्ट, ये भी एक कंपोनेंट है इस प्रोजेक्ट का. एंड सिक्स कंटिंजेंट इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट, कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांस के लिए इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए भी इसमें पैसे रखे जाएंगे. सिक्स कंपोनेंट से ये याद कर लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए. और अगर आपकी जगह मैं रहूंगा, इफ द क्वेश्चन कम्स अप व्हाट शुड बी इंडियाज रिस्पॉन्स अगेंस्ट COVID-19, ये वही सिक्स कंपोनेंट्स आपको लिखने हैं उस जगह पे, बिकॉज यही हो सकता है. सबसे पहला इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सेकंड स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रेंथनिंग द मल्टी सेक्टोरल एंड इंस्टीट्यूशंस, फोर्थ स्ट्रेंथनिंग एंगेजमेंट स्ट्रेंथनिंग पीपल पार्टिसिपेशन, फिफ्थ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ इंप्लीमेंटेशन, एंड सिक्स कंटिंजेंट इमरजेंसी रिस्पॉन्स कॉम्पोनेंट. तो ऐसे आया या GS के पेपर में आया इंडिया का रिस्पॉन्स COVID-19 के लिए कैसा रहना चाहिए आइडियल, आपको यही चीजें लिखनी है. तो और मेंस में इसके अलावा अगर आप बोलिएगा ये कहां लिंक हो सकता है ये करंट अफेयर्स, आई विल लिंक दिस विद इंटरनेशनल रिलेशंस दैट COVID-19 जैसे पैंडेमिक को रोकने के लिए कंट्रीज एकजुट हो रही है, वर्ल्ड बैंक भी आगे आ रहा है. और मैं आपकी जगह रहूंगा, आई राइट दिस इन चाइना इंडिया रिलेशंस एज वेल, बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट bilateral partnership between India and China. And अगर आप globalization में भी आप globalization के ऊपर कुछ आएगा तो उसमें भी आप ये देख सकते हैं that ये एक नया trend है globalization का, that दूसरे देशों में pandemic सकर कर रहे हैं वहाँ भी support दूसरी countries और banks दे रही हैं. AIIB के ऊपर भी background से prelims में question आ सकते हैं. AIIB was established in 2015, इसने शुरू किया operations, इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है, इसका फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. और ये चाइना ने मूटअप किया था इस बैंक को एज अ काउंटर टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक. तो IMF और वर्ल्ड बैंक जो US सपोर्टेड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उनके काउंटर में AIIB खड़ा किया गया है. सो दैट वॉज ऑल इन दिस न्यूज. लास्ट न्यूज इन साइंस एंड टेक फॉर टुडे, ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर COVID-19. तो COVID-19 के लिए आपको पता है बहुत सारे ऑप्शंस तलाशे जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, इंक्लूडिंग द इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जिसमें अश्वगंधा पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है. तो ऐसे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक नया कंसेप्ट राइज किया है, ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो बनाए जा सकते हैं COVID-19 के लिए. और भारत बायोटेक कंपनी ये आई कर रही है, इसकी 6 मंथ्स में वो बना देगी ऐसे एंटीबॉडीज. सो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR हैज सैंक्शन द प्रोजेक्ट लेड बाय हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक टू डेवलप ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एज अ थेरेपी फॉर COVID-19 इन नेक्स्ट 6 मंथ्स. द प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड अंडर CSIR फ्लैगशिप प्रोग्राम न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव. मैं यहां रहूंगा आपकी जगह पे, मैं बैकग्राउंड जरूर पढ़ लूंगा इस प्रोजेक्ट का, इस प्रोग्राम का. आई रिपीट, न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव, इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. आई विल पुट अप द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम इन द कमेंट बॉक्स, आप उसको देख लीजिएगा. तो भारत बायोटेक के साथ में नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस पुणे और IIT इंदौर भी इस प्रोजेक्ट में साथ आ गया है. और ये ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं? दीज आर एंटीबॉडीज, दे आर मैनमेड प्रोटीन्स दैट एक्ट लाइक नेचुरल एंटीबॉडीज एंड डिस्ट्रॉय द वायरस बाय बाइंडिंग टू इट. इन शॉर्ट, एंटीजन से बाइंड करके ये एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर देती हैं उसके इफेक्टिवनेस को.
तो ये, और इसमें एक वर्ड है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इसका साफ मतलब है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज विच आर मेड बाई क्लोन्स ऑफ द इम्यून सेल। क्लोन्स यानी ट्रू कॉपीज, यानी एक पैरेंट इम्यून सेल के क्लोन्स तैयार करना लैब में, और वो क्लोन्स जो एंटीबॉडीज बनाएंगी उन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहा जाता है। ये इनको मैजिक बुलेट्स भी नाम दिया गया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को। और ये मैजिक बुलेट्स का कंसेप्ट सबसे पहली बार द फेमस साइंटिस्ट पॉल एलरिच ही गिव द कंसेप्ट ऑफ द मैजिक बुलेट्स दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज इन 1908। तो जहां तक प्रिलिम्स की बात है, यहां से प्रिलिम्स में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं ये आपको देखना पड़ेगा, एंटीजन एंटीबॉडीज क्या होते हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। एंटीजन एंटीबॉडीज पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कोविड-19 के ऊपर। एंड न्यू मिलेनियम इंडियन टेक लीडरशिप इनिशिएटिव, ये प्रोग्राम क्या है आपको ये देखना पड़ेगा। और यहां से एक सवाल ये भी आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, दैट और कौन से एजेंसीज हैं जो फील्ड में आई हैं भारत बायोटेक के साथ में, इट्स नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस पुणे एंड IIT इंदौर। एंड मेंस में मैं इस न्यूज को लिंक करूंगा वैल्यू एडिशन में बायोटेक्नोलॉजी के साथ में, इट्स अ कंसेप्ट ऑफ बायोटेक। सो आई गेट मार्क्स बाय एडिंग दिस न्यूज टू द एनी क्वेश्चन विच कम्स ओवर ह्यूमन बायोटेक्नोलॉजी। सो दैट एंड्स द सेशन ऑफ साइंस एंड टेक फॉर 10 मई 2020। होप यू लाइक द सेशन, वी हैव कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड दीज थ्री न्यूज जो आज आए थे न्यूज़पेपर्स में। और अगर सेशन पसंद आया आपको, डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक, कमेंट एंड सजेशंस आर ऑल्सो वेलकम, एंड काइंडली शेयर द वीडियोज एज मच एज पॉसिबल। एंड फॉर गेटिंग द फ्री PDF, फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा। थैंक्स अ लॉट।